बच्चों ऑनलाइन लेक्चर में आज हम आप लोगों को चतुर्भुज की रचना की जानकारी दी जाएगी, जिसमें चतुर्भुज की तीन भुजाएं और दो विकर्ण दिए गए हो तो हम चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि त्रिभुज के लिए कुछ कोणों और भुजाओं के माप दिए गए हो तो त्रिभुज की रचना करना संभव होता है, यह आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें त्रिभुज के तीन घटकों की जानकारी के बाद हम उनकी रचना कर सकते हैं। ठीक वैसे ही बच्चों चतुर्भुज में कुल घटकों की संख्या 10 होती है, जैसा कि आपको बोर्ड पर मालूम पड़ा। बच्चों चार भुजाएं, चार कोण, दो विकर्ण, जैसे कि हमने आपको बता दिया बच्चों, यह है चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में यदि हम इसका नाम एक्स, वाई, जेड और पी लेते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं कि चार भुजा, चार कोण यहाँ दिखाई दे रहे हैं और इन चार भुजाओं और चार कोणों के अलावा बच्चों यदि हम उनके शीर्ष बिंदुओं को अर्थात बिंदु एक्स, बिंदु वाई, बिंदु जेड और बिंदु पी, यह उनके शीर्ष बिंदु हैं, सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड तैयार होती है उसे हम विकर्ण कहते हैं, अर्थात दो विकर्ण दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इस तरह से त्रिभुज की 10 घटक होते हैं। इन त्रिभुज के 10 घटकों में हमें पांच घटक की जानकारी होना आवश्यक होता है। किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें 10 घटकों की, चतुर्भुज के 10 घटकों में से विशिष्ट पांच घटकों के माप हमें मालूम होना चाहिए। जैसा कि बच्चों आपको चतुर्भुज की बात मैंने बताया कि चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण, दो विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, अर्थात छह घटक होते हैं। तो बच्चों इन 10 घटकों में से हमें चतुर्भुज के पांच घटकों की जानकारी होना आवश्यक होता है। तो यहाँ जो हम आपको आपकी रचना करने जा रहे हैं बच्चों, इसमें चतुर्भुज की तीन भुजाएं और दो विकर्ण अर्थात पांच घटक दिए गए हैं। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है किसी भी आकृति को बनाने के लिए हमें पहले कच्ची आकृति बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि कच्ची आकृति बना लेने से रचना करने में हमें सहायता मिलती है और रचना की क्रियाओं का क्रम भी निश्चित हो जाता है। तो अब बच्चों हम आपको आगे हम एक प्रश्न के आधार पर हमें इस घटक को पूरा करते हैं। बच्चों जैसा प्रश्न दिया गया है कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का संकेत बच्चों छोटा सा चतुर्भुज बना लेते हैं और उसका संकेत है, यदि चतुर्भुज W X Y Z, यह बच्चों चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में यदि दिया गया है लेंथ ऑफ YZ अर्थात YZ की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर दूसरी जानकारी दी गई बच्चों लेंथ ऑफ ZX बराबर 6 सेंटीमीटर तीसरे घटक की जानकारी बच्चों है लेंथ ऑफ WX बराबर 4.5 सेंटीमीटर सेमी मतलब सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ZW बराबर 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ YW बराबर 6.5 सेमी यानी सेंटीमीटर। बच्चों जैसा कि हम प्रश्न में देख रहे हैं जो चतुर्भुज दिया गया है
यक्स डब्ल्यू यक्स वाई जेड, यह चतुर्भुज का नाम है। उनके पांच घटक दिए गए हैं, जबकि अभी हमने बताया कि किसी भी चतुर्भुज के कुल 10 घटक होते हैं, जिनमें से पांच घटक की जानकारी होने पर हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों तीन भुजाएं और दो विकर्ण दिए गए हैं। अब बच्चों हमें कोई भी चतुर्भुज की रचना, कोई भी आकृति बनाते समय, चाहे चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, पहले हम कच्ची आकृति बनाते हैं। तो बच्चों पहले हम कच्ची आकृति बनाएंगे, जैसे यहाँ बच्चों दिया गया है। तो हम कच्ची आकृति बनाने के लिए एक कच्ची आकृति तैयार कर लेते हैं बच्चों। यह चतुर्भुज है जिसका बच्चों नाम लिखते हैं जेड डब्ल्यू एक्स वाई। तो यह बच्चों नाम हो गया, इसको हम डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी पढ़ सकते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसा कि हमने बच्चों जानते हैं, या तो क्लॉकवाइज हम देखेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, लेकिन बच्चों हमें क्रम वही होना चाहिए। यह हमारा जो बाएं से दाएं है या दाएं से बाएं, यह जो हमारा किसी भी चतुर्भुज आकृति का नाम लिखने के लिए हमें यह जानना जरूरी होता है। तो यहाँ बच्चों ये हमने चतुर्भुज बनाया। अब बच्चों हम इनके सम्मुख जो शीर्ष बिंदु है, जैसे शीर्ष बिंदु जेड के सम्मुख शीर्ष बिंदु यक्ष है, इन शीर्ष बिंदु को हम मिला लेते हैं बच्चों। यदि हम इसे हम मिलाते हैं दूसरा बच्चों है, यदि हम दूसरा शीर्ष बिंदु यानी शीर्ष बिंदु वाई तथा शीर्ष बिंदु डब्ल्यू, ये जोड़ी है, यदि इन दोनों को हम समूह को मिला लेते हैं तो हमें दो विकर्ण मिलते हैं, जिसमें बच्चों हमें प्रश्न में वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू अगर 6.5 सेंटीमीटर यहाँ बच्चों दिया गया है, 6.5 सेंटीमीटर। दूसरा बच्चों हम देखते हैं डब्ल्यू जेड, जेड डब्ल्यू 5 सेंटीमीटर, जेड डब्ल्यू यानी 5 सेंटीमीटर। दूसरा बच्चों हम देखते हैं डब्ल्यू एक्स यानी 4.5, डब्ल्यू एक्स 4.5 सेंटीमीटर। आगे हम देखते बच्चों जेड एक्स, यह तो जेड और एक्स है अर्थात यह भी विकर्ण है बच्चों, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है। वाई जेड, वाई जेड यानी इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, अर्थात इसे बच्चों इस आकृति में हमें किस भुजा की क्या लंबाई दी गई है हमें मालूम पड़ गया। अर्थात बच्चों हम यहाँ देखते हैं तो हमें, यदि इस तरह से हम देखते हैं तो हमें दो त्रिभुज इसमें दिखाई देता है जिसकी जानकारी हमें दी गई है। तो हम देखते बच्चों जैसे डब्ल्यू जेड वाई, त्रिभुज डब्ल्यू जेड वाई, ये जानकारी दी गई है बच्चों। दूसरे बच्चों देख रहे हैं ये जानकारी जेड एक्स डब्ल्यू अर्थात त्रिभुज जेड एक्स डब्ल्यू, यह दो ऐसे त्रिभुज चतुर्भुज में दो ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं जिसकी जानकारी हमें है, अर्थात तीनों भुजाएं मालूम है। अर्थात यदि हम इन दोनों त्रिभुज की रचना हम कर देते हैं तो हमें चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड की आकृति मिल जाएगी। अब बच्चों हम चलते हैं, हम एक एक करके आगे हम कैसे हम रचना करेंगे वो देखते हैं बच्चों। पहले बच्चों हम कच्ची आकृति की तरफ देखते हैं, ये बच्चों हमारी कच्ची आकृति हो गई, हम उसके नीचे लिख देते हैं। कभी भी परीक्षा में ऐसा आता है बच्चों तो हम उसके नीचे हाँ लिख देना चाहिए, एक कच्ची आकृति हो गई बच्चों। अब हम कच्ची आकृति के अनुसार जेड डब्ल्यू 5 सेंटीमीटर, जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, आप लोगों को रेखाखंड बनाने की जानकारी भी है कि हम किसी भी एक पूर्ण संख्या से हम लेते हैं। यदि हम 5 लेना है तो हम किसी पूर्ण संख्या से लेने के बाद 5 अंक खाना हम आगे तक
बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम देख लिए, ये हमारा जो है 5 सेंटीमीटर हो गया, अर्थात यह जो 5 सेंटीमीटर है, यह जो हमारा जेड और डब्ल्यू दोनों बिंदु मिल गए बच्चों। अब जेड डब्ल्यू के आधार पर ही हम त्रिभुज को देखते हैं, पहले त्रिभुज को देखते हैं बच्चों। तो इसमें हमें जेड डब्ल्यू के बाद हमें क्या मालूम है बच्चों, जेड वाई, अर्थात हम तुरंत प्रकार लेते हैं बच्चों। प्रकार लेने के बाद उसमें हम 4 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं, ठीक वैसे बच्चों प्रकार की नोक रखते हैं किसी पूर्ण संख्या पर, वहां से आगे 4 तक हम लेते हैं। जैसे कि बच्चों हमने यहाँ देख रहे हैं कि हम किस तरह से स्केल से ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि यह स्केल चूंकि सामान्य स्केल है, इसके आधार पर हमें थोड़ा सा दूरी बढ़ाकर लेना बच्चों। तो हम यह दूरी ले लिए और यह 4 सेंटीमीटर साथ हम जेड को केंद्र मान करके हम एक चाप लगाते हैं। हम देखते हैं बच्चों यह जो चाप लग रहा है या किस तरह से आपको आखिर बातें समय चाप आएगा बच्चों। तो इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, दूसरा है बच्चों डब्ल्यू वाई, यह भी डब्ल्यू जेड वाई का यह भाग है, अर्थात यह डब्ल्यू वाई 6.5 है। तो हम 6.5 का दूरी लेते हैं बच्चों, इस तरह से हम 6.5 की दूरी लेकर के हम स्केल से हम लेते बच्चों, एक देख रहे हैं पेंसिल की नोक और इस तरह से प्रकार की नोक रखते हैं 6.5 के लिए 6 पूर्ण खाना और 5 छोटे खाने जो मिलीमीटर के होते हैं, अर्थात 2 बड़े खानों के बीच में 10 छोटे खाने बने होते हैं, उसमें 5 खाने लेने हैं। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, डब्ल्यू के को शीर्ष बिंदु मानेंगे, डब्ल्यू को सॉरी केंद्र मानेंगे। इस केंद्र को मानने के बाद हम एक चाप लगाते हैं, यह चाप इस तरह से बच्चों, यदि हम इसको चाप को लगाते हैं तो यह चाप इस तरह से आकृति बनेगी बच्चों। हम देखते हैं कि पहला चाप एक दूसरे को नहीं प्रच्छेद कर रहा है, तो हम बच्चों क्या करेंगे, इस चाप को हम बढ़ा लेंगे, अर्थात बढ़ाएंगे, आगे हम बढ़ा सकते हैं बच्चों। तो जब इसको हम प्रकार से हम इसको बढ़ा लेंगे तो जिस बिंदु पर यह दोनों चाप एक दूसरे को प्रच्छेद करता है वह बिंदु हमें बच्चों वाई मिलता है। अब हम बच्चों बिंदु वाई और जेड को मिला लेंगे, बिंदु वाई और जेड को इस तरह से बच्चों मिला लेंगे, ये बिंदु वाई और जेड हो गया। दूसरा बच्चों हमने क्या करेंगे हम, दूसरा हम डब्ल्यू और वाई को मिला लेंगे, हमने डब्ल्यू और वाई को मिला लिया। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं हमारा पहला जो त्रिभुज है, त्रिभुज डब्ल्यू जेड वाई तैयार हो गया। अब बच्चों हमें कच्ची आकृति करके देखिए बच्चों, अब हमको दूसरे त्रिभुज की तरफ चलना है, जेड एक्स डब्ल्यू। तो जेड एक्स डब्ल्यू के लिए बच्चों क्या करते हैं, कच्ची आकृति की तरफ हम ध्यान देते हैं, कच्ची आकृति की तरफ हम ध्यान देते हैं बच्चों। तो डब्ल्यू से हमें एक्स बिंदु लेने के लिए 4.5 सेंटीमीटर का एक दूरी लेकर के चाप लगाना पड़ेगा। फिर हम बच्चों स्केल पर उसी प्रकार और पेंसिल के द्वारा 4 बड़े खाने और 5 छोटे खाने, अर्थात 4.5 बच्चों दूरी लेते हैं और W को हम केंद्र मान करके ऊपर की तरफ हम एक चाप लगाते हैं बच्चों। तो यह चाप इस तरह से आप जब प्रकार से लगाएंगे बच्चों तो इस तरह से वह चाप बनेगा, अर्थात अभी बच्चों हमें एक निश्चित, क्योंकि यह चाप भी बिंदुओं से बना है लेकिन हमें W बिंदु अभी मालूम नहीं पड़ रहा है कि W बिंदु है कौन। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम देखते हैं W और Z में बिंदु Z को हम चाप लगा करके हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, X के लिए X बिंदु खोज करना है, जबकि उसकी हमको लंबाई मालूम है। इसलिए बच्चों एक्स जेड की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, 6 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद बच्चों हम फिर यहाँ वाई को केंद्र मानेंगे, वाई को सॉरी जेड को केंद्र मानेंगे, जेड को केंद्र मान करके, क्योंकि हमको जेड एक्स खींचना है इसलिए जेड एक्स के लिए हमें जेड को केंद्र मानेंगे। इस तरह से बच्चों हम एक चाप लगाएंगे, यह चाप जो है इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, यह चाप जो है इस तरह से रहेगा और यह पहले का चाप यदि प्रच्छेदित नहीं करता है तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, कभी चाप लंबा होना चाहिए, तो हम इस चाप को इस तरह से हम आगे
बढ़ा लेंगे। यदि हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों तो हम देखेंगे कि यह चाप एक दूसरे को कैसे प्रच्छेद करता है। ये बच्चों देख रहे हैं ये दोनों चाप है, यहाँ जहाँ प्रच्छेद करा बच्चों, यह जो प्रच्छेदन का जो चाप होता है इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, तो यह जो प्रच्छेदन का चाप है यह हमें मिलता है अर्थात यह यक्ष यक्ष बिंदु मिलती है बच्चों। इस तरह से हमें यक्ष बिंदु मिल गया। अब बच्चों यह जो यक्ष बिंदु है इसे हम वाई बिंदु को मिलाते हैं, क्योंकि हमें पहले हम क्या करेंगे यक्ष और डब्ल्यू जो हमने खींचा है 4.5। दूसरे बच्चों हमने जो जेड और यक्ष को खींचा है उनको मिला लेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों यह दो हमके त्रिभुज मिल गया, दूसरा भी त्रिभुज हमको मिल गया बच्चों। अब बच्चों हमको यक्ष और वाई ये भी शीर्ष बिंदु मिल गए हैं, अर्थात इन दोनों शीर्ष बिंदुओं को हम बच्चों क्या करेंगे मिला देंगे। जबकि इसकी दूरी हमको नहीं मालूम है लेकिन त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज रचना के आधार पर हमें यह जो बिंदु हमको मिल गया इसलिए यह बिंदु बच्चों हम मिला देंगे। अब बच्चों हम देखते हैं कि यह एक चतुर्भुज की रचना हो गई जिसमें हम दिन के बच्चों इसको हम लिख देते हैं। तो हम देखते हैं यह 5 सेंटीमीटर है, यहाँ हमने 4.5 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया था, ये 4 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया बच्चों, जैसा कि हमने 6 सेंटीमीटर का लगाया, यहाँ 6.5 सेंटीमीटर का है। इस तरह से बच्चों हमारा चतुर्भुज W X Y Z ये बच्चों इसकी पक्की आकृति अर्थात ये रचना हमारी तैयार हो गई। तो इस तरह से बच्चों हमें कोई भी आकृति बनाना है तो इस कच्ची आकृति के आधार पर हम पक्की आकृति रचना कर सकते हैं। एक बार बच्चों हम पुनः जानकारी के लिए आपको पुनः दोहरा देते हैं ताकि यह रचना आपको इसकी कृति आपको पुनः समझ में आ जाए। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें 5 घटक की जरूरत है। इन चतुर्भुज में 10 घटक होते हैं जिसमें से 5 घटक का जानना अनिवार्य होता है। यदि 5 घटक नहीं मालूम बच्चों तो हम चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो आज आपने बच्चों यह आकृति को बनाने के लिए बताया गया वह आकृति में 3 भुजाएं एक चतुर्भुज की 3 भुजाएं और उसकी 2 विकर्ण मालूम है। विकर्ण का मतलब बच्चों दो चतुर्भुज के 2 आमने सामने शीर्ष बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें आकृति मिलती है जो रेखाखंड बनता है उस रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ हमने बताया Y और P ये जो शीर्ष बिंदु हैं, X और Z शीर्ष बिंदु हैं, आमने सामने की अर्थात जिसको हम सम्मुख शीर्ष बिंदु बोलते हैं बच्चों, जेड एक्स को मिला दिया और यहाँ तो एक जेड एक्स विकर्ण मिल गया, पी और वाई को मिला दिया तो वाई पी या पी वाई में विकर्ण मिल गया, अर्थात इस तरह से हमको 2 विकर्ण मालूम है बच्चों। हम कच्ची आकृति पहले बनाए बच्चों, कच्ची आकृति में आप देख रहे हैं कि हमने डब्ल्यू एक्स वाई जेड हमने एक चतुर्भुज बनाया, जेड और डब्ल्यू की का 5 सेंटीमीटर दिया गया है, एक डब्ल्यू और एक्स बराबर 4.5 दिया गया है, फिर जेड और वाई बराबर 4 दिया गया है, जेड और एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अच्छा बच्चों आपको ये थोड़ा सा ये कंफ्यूज होता होगा कि सर आकृति कैसे बनाएं, तो बच्चों अपने को ध्यान रखना है जो जिस क्रम में यह जो नाम जिस क्रम में है वह क्रम हमारा बैठना चाहिए। आकृति हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं, यह जो आधार है 4 भी आधार तक जा सकता है, लेकिन कम से कम हमें यह है जो बाहरी भुजा होती है जो बड़ी है उसके आधार पर हम कोशिश करते हैं। देखिए क्रम क्या होता है बच्चों, जैसे डब्ल्यू एक्स ये क्रम बनता है, एक्स वाई ये क्रम बनता है, वाई जेड ये क्रम बनता है, जेड एक्स ये क्रम बनता है। तो यह तो इनके भुजाओं के नाम का क्रम हम ऐसे देख सकते हैं एक दूसरे को, डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड वाई ये इनके भुजाओं के नाम है। अब बच्चों इस भुजाओं के नाम के आधार पर हमें जो क्रम बनता है उसी क्रम में हमको पहली कच्ची आकृति बनाएंगे, फिर विकर्ण हमको स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि विकर्ण जो है शीर्ष बिंदुओं के आधार पर विकर्ण हमें स्पष्ट हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ आते हैं, हमने क्या किया एक स्केल से
स्केल से हमने 5 सेंटीमीटर का दूरी लिया। दूरी लेने के बाद बच्चों एक्स बिंदु को हमने केंद्र मान लिया और वाई बिंदु के लिए प्रकार में बच्चों हमने 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर के हमने चाप लगा दिया। फिर डब्ल्यू को हमने केंद्र मान करके वाई के लिए हमने 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। हमको वाई बिंदु मिल गया, दोनों मिला दिया गया। जैसा कि बच्चों हम आपको बताए कि आकृति के आधार पर, नाम के आधार पर हमें दो त्रिभुज स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ देख रहे हैं, एक त्रिभुज यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है और दूसरा बच्चों यहाँ अर्थात दो त्रिभुज आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह वाई और एक्स जो है यह भुजा की जानकारी हमें नहीं दी गई है, इसलिए यह दो त्रिभुज हम बनाएंगे तो हमें यह चतुर्भुज मिल जाएगा। और वैसे बच्चों फिर हम y को केंद्र मान करके x पर 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगा दिया। 6.5 का हमने सॉरी 6 चाप लगा दिया, क्योंकि x z दिया गया है 6.6 सेंटीमीटर हमने दूरी लगा दिया। फिर y को बिंदु मान करके x के लिए बच्चों हमने 4.5 की दूरी लगा दिया तो हमें x बिंदु मिल गया और यह त्रिभुज की रचना हमने कर दिया। और त्रिभुज w z और y के लिए हमको बिंदु y और त्रिभुज z x w के लिए बिंदु x मिल गया। फिर x और y को हमने मिला दिया और हमारा चतुर्भुज w x y z तैयार हो गया। तो इस तरह से बच्चों ऐसे संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा जिसमें तीन भुजाएं दो विकर्ण दिए गए हैं अर्थात पांच घटक दिए रहेंगे तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं और आपको यह पूर्ण रूप से समझ में भी आया होगा। यदि इस प्रश्न को करते समय कोई भी ऐसी समस्याएं आती हैं जहां आपको कंफ्यूज होता है तो बच्चों यह हमारे चैनल ED_BYAK को पुनः चैनल को आप दोहरा करके आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे का जो है पुनः आप कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों यह हमारा यह आज की रचना का यह वीडियो समाप्त होता है। बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाई एके की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल @_BYAK को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।